सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बनाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। फैट लॉस या वेट लॉस के साथ साथ बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, उतनी बड़ी स्ट्रगल है वेट पुट ऑन करना। कुछ लोग कुछ भी खा लें, अपने कपड़े उतारे खा लेंगे फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता, तब उनका कोई उस्ताद कोई एक्सपर्ट कोई यार उनको सलाह देता है कि मास गेनर की। दोस्तों मुझे लगता नहीं था कि मुझे ये बात बताने की या इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको मास गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं ऑलमोस्ट सभी की ये राय है कि मास गेनर आपको नहीं लेनी चाहिए। मगर इसके बाद भी बहुत सारे लोग मास गेनर यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट मैं डेली बेसिस मुझे कोई ना कोई जरूर पूछता है कि मैं मास गेनर लेना चाहता हूँ लूँ या ना लूँ। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहता था कि आपको बताऊँ कि क्यों मास गेनर आपको नहीं लेना चाहिए, क्या नुकसान है इसके, बल्कि आपको ये भी बताऊँ कि कैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते टाइम अगर थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो आपको ईजिली खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपकी अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे से पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि मास गेनर हमें नहीं लेना चाहिए, ये हमें फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ही करेगा। कैसे करेगा नुकसान ये समझने के लिए किसी भी मास गेनर का किसी भी ब्रांड के मास गेनर का इंग्रेडिएंट लेवल चेक कर लेते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सभी ब्रांड के मास गेनर जो बनाते हैं उनका इंग्रेडिएंट लेवल चेक किया है। सबका इंग्रेडिएंट लेवल में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है माइक्रोडेक्सट्रिन। किसी भी खाने वाली चीज़ में आप इंग्रेडिएंट लेवल चेक करोगे तो उस इंग्रेडिएंट लेवल में आपको जो सबसे पहले दिखेगी वो होगी उस चीज़ का मेन इंग्रेडिएंट होगा, उस चीज़ में जो इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जो मास गेनर है उनका आप इंग्रेडिएंट लेवल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका मेन इंग्रेडिएंट है माइक्रोडेक्सट्रिन। जितने भी मास गेनर है ये बहुत ही कैलोरी डेंस होते हैं, एक सर्विंग में आपको 1000 या उससे भी ज़्यादा कैलोरीज मिल सकती है और मेजोरिटी पार्ट इन कैलोरीज का आता है माइक्रोडेक्सट्रिन से। माइक्रोडेक्सट्रिन है क्या, इन शॉर्ट कचरा है। डिटेल अभी बताता हूँ आपको। माइक्रोडेक्सट्रिन स्टार्च से बनता है, किसी भी स्टार्च ही फूड से लिया जा सकता है, जैसे वीट स्टार्च आता है, राइस स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, जैसे आप कॉर्नफ्लोर बोलते हो मार्केट में आपको आमतौर पर मिलता है वो कॉर्न स्टार्च। इनोफ आपके लिए नुकसानदेह है, आप सोचो उसको फर्दर प्रोसेस करके उसमें से बनाया जाता है माइक्रोडेक्सट्रिन। ज़्यादातर माइक्रोडेक्सट्रिन को ज़्यादातर एडिटिव यूज़ करती है खाने वाली चीज़ों में या फिर उनको फिलर की तरह भी यूज़ किया जाता है। जो भी अच्छे समझदार लोग हैं फिटनेस इंडस्ट्री में वो आपको सलाह देंगे कि अगर आप किसी चीज़ में माइक्रोडेक्सट्रिन एडिटिव यूज़ हुआ है तो वो चीज़ आप ना खाएँ। यहाँ पर बात ये है कि अगर किसी चीज़ में माइक्रोडेक्सट्रिन एडिटिव भी यूज़ हुआ है तो उसकी क्वान्टिटी बहुत कम होती है और हम वो चीज़ खा रहे हैं या वो चीज़ खाना चाहते हैं जिसका मेन इन्ग्रीडियंट माइक्रोडेक्सट्रिन है। जितने भी ये मास गेनर होते हैं इनकी सर्विंग साइज़ बहुत बड़ी होती है। एक मास गेनर ने मैंने सर्विंग साइज़ देखी थी 334 ग्राम, मैं तो बेहोश होने वाला था देख के। अगर इतना माइक्रोडेक्सट्रिन आपके शरीर में जाता है तो उसका नुकसान क्या है आपको। माइक्रोडेक्सट्रिन एक हाईली प्रोसेस हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके शरीर में जाकर शुगर की तरफ बिहेव करता है। मान लो आपने 100 ग्राम माइक्रोडेक्सट्रिन खाई और 100 ग्राम शुगर खाई तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, रिजल्ट आपका ब्लड शुगर स्काई रॉकेट, ना कि आपका ब्लड शुगर, आपका इंसुलिन भी स्पाइक होगा, आपके पैनक्रियाज में एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा उस एक्सेसिव शुगर को ठिकाने लगाने के लिए। माइक्रोडेक्सट्रिन की न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम जीरो है, सिर्फ आपको कार्ब्स मिलेंगे वो भी घटिया किस्म के। नाम के लिए कंपनी थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड कर देती है, थोड़ा बहुत विटामिन ऐड कर देती है, लेकिन ये चीज़ें भी उस नुकसान को कम नहीं कर सकती जो आपको माइक्रोडेक्सट्रिन से हो सकती है। तो मास गेनर्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिग नो। अब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग पैकेज फूड, आप मार्केट में जाकर जो भी चीज़ खरीदो खाने वाली चीज़ है जो कि किसी पैकेट में या किसी डिब्बे में बंद है तो आप उसका इंग्रेडिएंट लेवल ज़रूर देखा करो। सीधा और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर उस इंग्रेडिएंट लेवल में आप जो भी लिखा है वो अगर उसका मेजोरिटी पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ आपके खाने के लायक नहीं है, वो चीज़ आपको नुकसान ही करेगी। आप सोच के देखो कि कितनी अजीब चीज़ है कि जो चीज़ हमें समझ ही नहीं आ रही वो चीज़ हम खाए जा रहे हैं। आप इस मास गेनर का लेवल देखो, लेवल कम और केमिस्ट्री के साथ ज़्यादा लगता है, इसलिए सिर्फ मास गेनर ने कोई भी खाने वाली चीज़ जो पैकेट में बंद है उसका इंग्रेडिएंट लेवल आप चेक करने की आदत डालो। आपको समझ में आना शुरू होगा कि कंपनी आपको कचरा खिला के पैसे बटोर रही है। तो ये एक रूल तो कम से कम आपको फॉलो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो अपनी हेल्थ को लेकर। तो दैट्स इट, खाओ पियो मज़े करो, क्योंकि मास गेनर खा करने उसके बाद आपको मज़े नहीं आएंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।